Hey guys, welcome back to my channel. So this is Patel Shalini over here and आज मैं आपको बताऊँ कि किस statement of purpose कैसे बनाते हैं. लेकिन before starting my video, I want to say something like if you really want to achieve something in your life now, then just go off your hometown. Like there are billions of people who will be there who wanna support you to work hard with dedications and devotions instead of like we are staying in a home. Those people who doesn't want you to reach on top or even stop caring about the people, what they think, what they say, or their mentality and all. So this is my message, I'm convincing. And let's start with the video कि अपन statement of purpose कैसे बना सकते हैं, क्योंकि generally क्या होता है ना, लोग 4 to 5 thousand rupees waste कर लेते हैं statement of purpose बनाने के लिए. तो मैं ना एक इजी से इजी सा तरीका बताऊँगी जिसमें अपन स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ कैसे बना सकते हैं. लेकिन सो लेट स्टार्ट विद, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बना रहे हो तो इट्स अप टू 6 to 7 pages और मैक्सिमम 8 pages ले सकते हो. कुछ ज़्यादा छोटा भी मत बनाना, कुछ ज़्यादा बड़ा भी मत बनाना, जस्ट मेन लाइक सेंट्रेस में रखना, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी हैव टू राइट अ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में अपन को ज़्यादा नहीं लिखना, लाइक अपना नाम लिखना है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट दैट माय नेम इज पटेल शालिनी और आई एम फ्रॉम, मतलब कि अपना एड्रेस लिखना है, जो तुम्हारा पूरा जो एड्रेस थी वो पासपोर्ट में दिया गया है, वो तुम्हारी बर्थ डेट लिखनी है और बर्थ प्लेस लिखनी है. एंड देन यू हैव टू राइट योर यूनिवर्सिटी नेम, कोई भी तुम्हारी कैनेडा की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लंदन की, ऑस्ट्रेलिया की, कोई भी, नो मैटर्स वॉट, बट द कोर्स यू हैड टेकन इन दैट यूनिवर्सिटी. उसी पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में, और तुम लोगों को दो एडवांटेजेस लिखने हैं उस इंट्रोडक्शन के, राइट. इंट्रोडक्शन भी हैड कम्प्लीटेड. नाउ वी हैव टू डू सेकेंड थिंग कि अपन फैमिली बैकग्राउंड. अब तो वो एक टॉपिक डालना है, लाइक नीचे इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे यू हैव टू राइट फैमिली बैकग्राउंड और उसमें लिखना है कि अपने पापा का बिजनेस क्या है. बल्कि मेरी फैमिली मेरे को बहुत एंथुसियाज्म करती है और मेरे पापा का नाम ये है और जो तुम्हारी लगती, बल्कि ऑब्वियसली तुम्हारे सन और डॉटर ही होगी तो उनके लगोगे ना, दैट्स इट. और फिर है ना उनको, मतलब कि वो जो बिजनेस करते हैं वो लाइक वो कोई कुछ भी हो सकता है, बिजनेस मैन और वो. और मम्मा, अगर मम्मा का लिखना है कि माई मदर नेम इज़ दिस दैट, और फिर मम्मी जो भी बिजनेस करते हैं, लाइक बिजनेस वूमैन है, टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. तो अपना सेकेंड पैराग्राफ तो कंप्लीट हो गया. अब अपन को लिखती है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस. एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में अपन को ज़्यादा नहीं करना, अपन को 10th और 12th की लाइक परसेंटेज लिखना है. और अपन ने जो ईयर जो पास आउट किया है, लाइक 10th और 12th स्टैंडर्ड में जो ईयर वी हैव टू पास आउट, एज वेल एज फ्रॉम CBSE से किया है, ICSE के, नो मैटर्स, तुमको वो सब मैंशन करना है. और तुमको ना बैंक्स लिखने हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए, तो यू हैव टू राइट योर आई स्कोर. लेकिन आई सी स्कोर तुम लोग ऐसे लिखना कि लिसनिंग में ऐसे स्पेसिफिक ऐसे कॉलम बनाना, यू हैड लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और तुम्हारे ओवरऑल लिखना, ठीक है. सो दिस इज लाइक द फैमिली बैकग्राउंड. फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज कम्प्लीटेड, सेकेंड इज फैमिली बैकग्राउंड इज कम्प्लीटेड. अब थर्ड मैं बता रही हूँ वो है इमिग्रेशन हिस्ट्री, कि अगर आपका कोई भी वहाँ पे रहता है, लाइक आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो सबके लिए होता है, तो जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे आपका कोई रह रहा है, लाइक आपके अंकल, आपके मामा, तो आप लिख सकते हो. आपका अगर कोई रिफ्यूज़ल आया है पहले, सो इट्स बेटर कि यार अपना रिफ्यूज़ल लिखो, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको पता चल ही जाता है कि आपका पासपोर्ट नंबर डालते हैं, ऑब्वियसली दे विल गोइंग टू गेट इसका रिफ्यूज़ल आया और नहीं आया. सो तुम्हारा अगर रिफ्यूज़ल आया तो तुम कह सकते हो, या फिर तुम पहले कहीं माइग्रेट कर चुके हो कोई कंट्री में स्टडीज़ करने के लिए, लाइक बैचलर्स के लिए एंड ऑल, तो तुम लोग उस इमिग्रेशन हिस्ट्री में यू कैन राइट दिस. हर चीज़ आती है ना, अपने पास इंट्रोडक्शन लिख दिया, फैमिली बैकग्राउंड लिख दिया, इमिग्रेशन हिस्ट्री लिखी, और जो थर्ड चीज़ आती है वो तो व्हाई डू यू चूज इन दैट कोर्स, मतलब कि तुमने जो स्पेसिफिक कोर्स लिया, व्हाटएवर योर कोर्स इज, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, हेल्थ साइंस, पब्लिक हेल्थ केयर, व्हाटएवर दिस कोर्स इज, तुम्हें कोर्स के लिए उसके वापस से फिर से दो एडवांटेजेस लिखने हैं, क्योंकि मेरा ड्रीम है, मेरा एम है, मुझे हार्डवर्क करना है, स्किल्स अच्छी है, मेंटली और फिजिकली इसमें दोनों मतलब कि काम आते हैं ये वो. और फिर है ना उसको कंपेयर करना है कि तुमने यही कंट्री क्यों चूज़ की. एज एन एग्जाम्पल, अगर मैंने कैनेडा चूज़ कर लिए, सो मैंने यूनाइटेड किंगडम चूज़ क्यों नहीं की, मैंने लाइक यूरोप चूज़ नहीं किया और मैंने ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं चूज़ किया. सो यू हैव टू कंपेयर ऑल दिस. और प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट कि तुम अगर कोर्स का लिख रहे हो तो 2 या 3 लाइन लिखो एटलीस्ट, तो उनको थोड़ा ऐसे लगे, क्योंकि जो अपना रिफ्यूज़ल होता है, जो अपनी प्रोफाइल होती है, जो अपने चांसेस होते हैं, वो सारे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे ही होते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है. सो इट्स बेटर कि तुम लोग अच्छे से लिखो.
देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर कोर्स इन्फॉर्मेशन कि तुम वो कोर्स इन्फॉर्मेशन में तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो, लाइक जितने भी यूनिट्स हो, ऑब्वियसली तुम जिसकी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग ऑन मोनाश यूनिवर्सिटी, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, कि अगर आप मोनाश यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो उसमें ना तुम अपने कोर्स में जाओगे तो यू विल गेट टू नो कि तुम ट्राइमेस्टर वन में क्या पढ़ने वाले हो, ट्राइमेस्टर टू में क्या पढ़ने वाले हो, ट्राइमेस्टर थ्री में क्या पढ़ने वाले हो, और यूनिट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, सो एटलीस्ट वो सारे अपन को स्पेसिफिक मैंशन करने हैं, ठीक है। और उसकी फिर एडवांटेजेस लिखने हैं वापस, वो अब तुम लोग गूगल कर लोगे तो ऑब्वियसली तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो उसके, कि मतलब कि इस कोर्स से पढ़ने के बाद अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते एंड ऑल। हैव टू राइट कि आपकी फर्दर प्लानिंग क्या है उस कोर्स के बनने बाद, ये जो होगा वो नेक्स्ट पॉइंट होगा कोर्स इन्फॉर्मेशन के जस्ट नीचे ही पॉइंट होगा, क्योंकि फर्दर प्लानिंग क्या आपको क्या करना है इस कोर्स से। और कभी भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये मत लिखना कि मैं वहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए जा रहा हूँ ये वो, क्योंकि जस्ट ऐसे भले तुम सेटल डाउन होने के लिए जा रहे हो डजेंट मैटर और नो वरीज अबाउट दैट, लेकिन तुम ये लिखना कि आई हैव टू गेट बैक टू माई कंट्री, क्योंकि मेरी कंट्री डेवलपिंग कंट्री इंडिया और फिर उसमें ना मतलब कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो मुझे वो सारी फुलफिल करनी, मुझे वो चांस नहीं गंवाना वो अपॉर्चुनिटीज़ का। लाइक इफ़ यू गोइंग ऑन बैंकिंग कोर्स, लाइक तुम सीए के लिए जा रहे हो, किसी के लिए भी जा रहे हो बिजनेस के लिए, तो तुम देख सकते हो कि इंडिया में बहुत सारे बैंक है, लाइक स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ऑल, सो उसमें मुझे अच्छी से जॉब मिल सकती है और मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई हैव टू गो। और तुम अपने 5 साल बाद अपने को किस पोजिशन पर देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो सब तुम लिख सकते हो, दैट्स इट। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, अब स्पॉन्सर कौन कर रहा है तो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स कर रहे हैं स्पॉन्सर, तो तुमको वो पेरेंट्स को कर बोल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे सारा खर्चा उतारने की तैयार है, फ्रॉम लाइक खाने से लेके पढ़ने तक हर खर्चा उठाने के लिए तैयार है, और उनके पास तुमने कोई FD करवाई है तो तुम वो भी लिख सकते हो कि मेरे इतने बैंक में फिक्स डिपॉजिट पड़ी है। अगर तुमने कोई लोन करवाई है तो यू हैव टू राइट दैट लोन, तुमने जो जहाँ से ली है वो लोन तुम स्पेसिफिक बैंक का नाम लेके, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने लोन लिया और ये वो है, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपको है ना, कंक्लूजन क्या होता है ना, या शॉर्ट फॉर्म होता है उन सब का, तो तुम वो लिख सकते हो कि मैंने मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी, और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लेट मी नो, फिर लिखना कि योर काइंडली पटेल, मैं अपना नाम लिख रही हूँ पटेल शालिनी, अगर आपका जो भी हो XYZ आपका कुछ भी नाम हो तो लिख देना। मैं एट द एंड यही बोलूँगी अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना रहे हो तो ढंग से बनाना, और तुम खुद भी बना सकते हो, मैटर नहीं करता कि तुम अपने एजेंट्स पे डिपेंड रहो या फिर तुम कहीं बनवा कोई अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना रहा है तो फिर वो तुम उसको दो, दैट्स इट। एंड या इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज वन लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स, एंड जिसको भी ऐसा कोई मतलब कि करवा बना रहे हो ना वो ढंग से बनाना, क्योंकि वीजा रिफ्यूजल इस पर भी चांसेस होते हैं। थैंक यू सो मच।